हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू स्टोरी, मीन्स सेकेंड स्टोरी ऑफ प्रोस सेक्शन एंड द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल फुएंटेस। बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी वी विल गो थ्रू अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट दिस स्टोरी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी एंड द टाइटल इज अ लेटर टू गॉड, मीन्स एक पत्र ईश्वर के लिए। तो स्टोरी में आप देखेंगे कि इस लेटर को गॉड के लिए किसने लिखा है और उसके पीछे रीज़न क्या है, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नेम है लेंचो, और लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। वो एक बहुत ही गरीब और कठिन परिश्रमी फार्मर है, किसान है। उसकी उम्मीद थी कि उसकी जो फील्ड है वो काफ़ी अच्छी फसल देगी उसको, और वो बारिश का वेट करता रहा, लेकिन बारिश की जगह पे कुछ क्रिटिकल कंडीशंस उसके सामने आ गईं, ओले पड़ गए, जिसकी वजह से उसकी फील्ड ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। क्योंकि वो एक गरीब किसान है तो उसकी उम्मीदें जो थी वो ख़त्म हो जाती हैं। अब उसकी खेती नहीं हो पाती है, उसको फसल नहीं मिल पाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये पूरा साल अब उसे और उसके परिवार को भूखे मरना पड़ेगा। एंड लास्ट में उसकी एक ही उम्मीद होती है, वो कौन है? ईश्वर। तो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, इसलिए वो ईश्वर, उसका विश्वास है यहाँ पे कि ईश्वर ही एक है जो हमारी मदद कर सकता है। वो ईश्वर के लिए एक पत्र लिखता है और उसे ईश्वर पोस्ट ऑफिस में वो डाल देता है, और उस लेटर में उसने कुछ पैसों की डिमांड की होती है ईश्वर से, और उसका पूरा विश्वास है कि ईश्वर उसको पैसे ज़रूर भेजेंगे। लेकिन लास्ट में जब उसको पैसे मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं, क्या होता है, ये हम स्टोरी में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। फर्स्ट पैरा है हमारा द हाउस। देखिए हाइफन यूज़ हुआ है, इट मीन्स द हाउस, एक घर है जिसके विषय में आगे बताया गया है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मीन्स एक घाटी पे वो घर है, और उस संपूर्ण घाटी में, एंटायर वैली में पूर्ण संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में वो घर एक अकेला है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और वो कहाँ पे बैठा हुआ है? सेट मीन्स बैठना, घर बैठेगा नहीं, स्थित है। तो वो घर कहाँ पे स्थित है? एक छोटी पहाड़ी है जिसकी शिखर पे, जिसकी चोटी पर, क्रेस्टमीन्स चोटी में, शिखर पे वो घर स्थित है। मीन्स एक छोटी घाटी है, छोटी पहाड़ी है जिसकी शिखर पे वो एक इकलौता घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और उस घर की ऊँचाई से कोई भी नीचे की बहती हुई नदियों को आराम से देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो फूलों से भरी हुई, जो पकी फसलों की खेती थी, जो हमेशा प्रॉमिस करती थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो पकी हुई फसलें हमें प्रॉमिस करती हैं कि वो एक बहुत अच्छा, अ गुड हार्वेस्ट, एक बहुत अच्छी फसल देंगी। तो उस घर की शिखर से, उस घर की चोटी से, ऊंचाई से कोई भी नीचे बहती हुई नदियों को आराम से देख सकता था और फसलों को आराम से देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, केवल एक अकेली चीज़ ऐसी थी जिसको जिसकी ज़रूरत धरती को थी। वो क्या चीज़ थी? डाउनपोर, मीन्स बारिश या कुछ बारिश की बौछारों की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अब देखिए लेंचो एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है इसमें। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो, जिसको ये पता था कि उसकी जो खेत, उसकी जो फील्ड है वो बहुत ही क्या है, उसकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही अच्छी फसल उसको देने वाली है, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई। लेंचो सुबह से कुछ नहीं कर रहा था, केवल क्या कर रहा था? स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो केवल स्काई की ओर देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी खेत जो थी, फील्ड जो थी, उसको बारिश की ज़रूरत थी। तो वो सुबह से ही उठ के कुछ काम नहीं किया उसने, केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे वो स्काई की तरफ देखता रहा कि कब बारिश होगी।
नाउ सेकेंड स्टैंड पैराग्राफ देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें कुछ बारिश पानी मिल जाएगा. द वुमेन हु वॉज प्रपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और वो स्त्री जो उसकी वाइफ है जो कि सपर प्रपेयर कर रही थी, सपर क्या होता है, शाम का भोजन होता है, उसकी तैयारी कर रही थी, वो जवाब देती है येस गॉड विलिंग, गॉड विलिंग मीन्स हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. उसके जो बच्चे थे, उसका जो बड़े बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called to them all. और तब लंचो की वाइफ जो होती है वो सारे बच्चों को बुलाती है, कम फॉर डिनर, वो कहती है कि डिनर के लिए सब लोग आ जाइए. It was during the meal that just as Lanchu had predicted. खाना खाने के दौरान, मीन्स जब वो डिनर कर रहे होते हैं उस दौरान, Lanchu had predicted. Predicted मीन्स होता है भविष्यवाणी. Lanchu एक भविष्यवाणी करता है. Big drops of rain began to fall. मीन्स बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं. It means बारिश होने वाली है. In the northeast, huge mountains of clouds. North east direction में बड़े बड़े, huge में विशाल, बड़े बड़े जो clouds हैं could be seen approaching. ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल पहुंचने वाले हैं. The air was fresh and sweet. क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी और सुंदर तक चल रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, the man, कौन है यहाँ पे, Lanchu. Lanchu went out for no other reason. बाहर जाता है, उस बाहर जाने का उसका कोई और कारण नहीं होता है than to have the pleasure, means आनंद, खुशी, of feeling the rain on his body, means बारिश, क्योंकि वो वेट कर रहा होता है बारिश का, तो उस बारिश की जो फीलिंग होगी उसका आनंद उठाने के लिए वो घर से बाहर जाता है. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है वो कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस, ये जो बारिश की बूंदे हैं जो स्काई से गिरने वाली हैं, गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं. वो बारिश की बूंदों को क्या कहते हैं, नए सिक्के, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, कि जो किसान लोग होते हैं, उनके लिए अपनी खेती के लिए बारिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. तो वो क्या कहते हैं, कहता है लंचो, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के गिर रहे हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces, जो बड़ी ड्रॉप्स हैं बारिश की वो 10 के सिक्के हैं. एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो क्या हैं, 5 के सिक्के हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वो आप इस वीडियो में, ये जो इमेज है इसमें आप नहीं देख पा रहे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट इमेज में फॉरवर्ड कर दूंगी. बट क्योंकि ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो पाता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप उसको ध्यान से सुन के और उसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिएगा. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ all enough and note down difficult words and repeat the paragraphs. Okay, thank you students.